عمدہ ہو گر ذائقہ ملا ہو اکشر ڈھائی کا سوادوں سے بھری پلیٹ ہے خوش فیملی اور پیٹ ہے پھر زندگی تو گریٹ ہے واہ کیا ٹیسٹ 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 ہے I believe good food is the best way to get a smile on anyone's face. But you must learn, practice and observe the art of cooking before you could actually claim to be a good cook. Par ghabraiye mat, hum aapko good cook banane ke mission se puri tarah committed hai. इसीलिए हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी आपको सिखाएंगे शानदार डिशेस। तो चलिए चलते हैं JW Marriott के रेस्टोरेंट अकीरा बैक में। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अकीरा बैक में और टाइम आ चुका है कि हम आज की एक्सोटिक और शानदार डिश क्या होने वाली है इसके बारे में जानें। तो व्हाई टू वेट, बुलाते हैं अपने मास्टर शेफ वैभव को और पूछते हैं उन्हीं से। शेफ, हेलो शुदा, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन शेफ, हाउ आर यू? गुड। आज हम क्या डिश बनाने जा रहे हैं? आज हम एक वेजिटेरियन डिश बनाने जा रहे हैं जो कि मालाबारी वेजिटेबल करी है। इट्स फ्रॉम द केरला, ऑलराइट, वहां का रीजनल डिश है वहां का। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आज एक ऑथेंटिक इंडियन डिश बनने जा रही है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। रेडी? मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूं जो कि मैं आज अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाला हूं। इधर मैं ड्राई स्पाइसेस हैं मेरे पास, कुछ रेड होल चिलीज हैं, उसके मैंने सीड्स निकाले हैं ताकि मेरी ग्रेवी ज़्यादा स्पाइसी ना हो। ओके, उसके बाद मेरे पास मस्टर्ड सीड्स हैं, थोड़ा सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर सीड्स। फिर उसके बाद कुछ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास जैसे कि करी लीव्स हैं, उसको हमारी ग्रेवी को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। अनियंस हैं, लेमन वेज है, कोरिएंडर क्रीम है मेरे पास कोकोनट का, यहाँ पर बाकी मेरे पास टमेटो की प्यूरी है, वेजिटेबल्स है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। Alright. और थोड़ा सा जो हम लोग यूज करेंगे विनेगर। Alright. क्या टेस्ट है? वाह, क्या टेस्ट है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिश आज की है जो मालाबारी वेजिटेबल करी। तो उसके लिए श्रद्धा, सबसे पहले हम लेंगे अपना कोरिएंडर सीड्स। ये हम एक पेस्ट बनाएंगे इसका, इसको हम ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। ये हम रेड होल चिलीज ले रहे हैं जिसको हमने डीसीड किया हुआ था। वी टेक डबल क्वांटिटी ऑफ द रेड चिलीज एज पर कोरिएंडर। अब इसके हम अंदर डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। और डालेंगे हम वाटर, पानी इतना डालेंगे बस ताकि वो सोक हो जाए, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम वही सेम पानी यूज करेंगे फिर ग्रेवी के अंदर। Alright. इसको मीनवाइल हम ओवरनाइट सोक करके रखते हैं। तड़का लगाएंगे अभी हम इसके लिए। सबसे पहले अपना पैन ऑन करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे कोकोनट ऑयल क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है केरला की डिश है तो उस रीजन में कोकोनट का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा तड़के के लिए लेंगे हम जो ये, स्टार्ट करेंगे हम मस्टर्ड सीड से। थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, मेक श्योर जब भी आप अपने मस्टर्ड सीड्स डालें, कुछ भी तड़का लगाएं, आपका ऑयल गर्म हो, आपका पैन गर्म हो, देन ओनली पुट दैट द मसाला जो भी आप डाल रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा चॉप अनियन यूज करेंगे। अनियन को हम ट्रांसल्यूसेंट करेंगे केवल, उसको हम कलर नहीं देंगे कुछ भी। ट्रांसल्यूसेंट एक प्रोसेस होता है जिसको हम अपने कलनरी टर्म्स में बोलते हैं, उसको केवल व्हाइट कलर होगा, ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, तो मतलब गोल्डन ब्राउन होने का वेट नहीं करेंगे, उसके पहले ही स्टेज होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ऑलराइट,
ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल एक पेस्ट चाहिए बस, बाकी थोड़ा सा मसाले और अनियंस। तो शेफ, इस डिश के बारे में कुछ बताइए। इस डिश के लिए एक अपना मालाबार रीजन है केरला में, तो ये डिश वहाँ से बिलोंग करती है। जनरली ये नॉन वेजिटेरियन होती है, मगर मैंने एज पर आर गेस्ट डिमांड, एज पर आर कस्टमर नीड्स, तो वी हैव टू रिप्लेस इट विद द वेजिटेरियन ऑल्सो। ओह नाइस। यू कैन यूज प्रॉन ऑल्सो, यू कैन यूज फिश ऑल्सो, द ग्रेवी रिमेन्स द सेम, ओनली द वेजिटेबल और द main ingredient changes. All right. So that is really nice. अगर आपको इस vegetarian dish को non-veg बनाना है, तो आप उसमें fish या prawns, chicken भी use कर सकते हैं. Chicken generally doesn't suit well with this gravy. All only right. the seafood. तो जैसे कि हमारे onion already translucent हो चुके हैं almost. अभी हम थोड़ा सा अपना curry leaves डालेंगे fresh. आप देख सकते हैं कि करी लीव का अच्छा अच्छा फ्रेग्रेंस आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं हम अभी। और इसके अंदर आपको मसाले भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, ओनली धनिया पाउडर, चिली पाउडर, सॉल्ट, थ्री मसाले यू वांट। दैट्स सो गुड। तो बहुत ब्लांड फ्लेवर आने वाला है या डिश स्पाइसी बनेगी? डिश हल्की स्पाइसी होती है, क्योंकि जो मालाबारी फूड होता है वो हल्का स्पाइसी होता है। Because as we have used red chilies in the paste, तो वो हल्का spicy होगा होगा। मगर इतना spicy नहीं होगा, because we are using coconut milk, तो उसको spicy लेने को हल्का सा काम करेगा वो। Alright. So basically जो उसका spice है, वो उसको थोड़ा सा suppress करता है। Neutralize करता है थोड़ा सा। हमारा ginger garlic paste पक चुका है। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, so that हमारा onion जले नहीं। अभी मैं थोड़ा सा कुरियंडर पाउडर डालूंगा इसको, थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कुरियंडर सोक किया हुआ है। लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर, सॉल्ट, जो कि हमने पेस्ट आपके लिए बताया था कि हमने सोक करके रखा है, उसको हम लोग ओवरनाइट सोक करते हैं, उसके बाद हम उसको मिक्सी में फाइन पेस्ट बनाते हैं। And then we strain it through. उसको strainer से आप छानेंगे तो बिल्कुल fine जो होगा आपके पास, you will get things like this. The color is so pretty, I would say. बहुत ही सुंदर color निकल के आया है इसका. It is looking like tomato puree, no? Yes. अब हम इसको paste को add करेंगे इसके अंदर. जैसी हमारी gravy थोड़ी सी boil होएगी, then we'll add blanched vegetables. इसके अंदर हम ब्रोकली भी डाल सकते हैं, कुछ भी आप एग्जॉटिक बनाना है तो आप ब्रोकली वगैरह डाल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल वेजिटेबल्स यूज किए, जैसे कि कॉलीफ्लावर है मेरे पास, कैरेट है और बीन्स है, ये सब ब्लांच वेजिटेबल्स हैं। इसको हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर, जनरली इस डिश के अंदर टैमरिंड पल्प जाता है, मगर यहाँ पर मैं टैमरिंड पल्प की जगह पे उसको रिप्लेस करके आई एम यूजिंग फ्रेश लेमन जूस हियर। Okay. Just to give little sour taste. जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेवी थिक होनी शुरू हो गई है यहाँ पे। कोकोनट मिल्क क्रीम जो हम डालेंगे इसको सबसे एट लास्ट में डालेंगे, ठीक है? अदरवाइज इसको जल्दी आप अर्ली स्टेज में डाल देंगे तो बेस में लगना शुरू हो जाता है वो। थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। हाँ जी। आप देख सकते हैं अब कलर पहले से चेंज हो गया है इसका, बिल्कुल रेड कलर जो है वो हल्का ऑरेंज में टर्न हो गया है, क्योंकि जो पहला था वो बहुत स्पाइसी था, नाउ द कोकोनट मिल्क ने उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया है स्पाइसी लेवल को, उसको थोड़ा सा हम लेमन वेस्ट डालेंगे अभी। और ये कोकोनट क्रीम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जनरली आप मार्केट में भी इसको इजीली अवेलेबल है, आप पाउडर फॉर्म में भी आता है कोकोनट मिल्क पाउडर, उसको आप वाटर के साथ डिजोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है आप फ्रेश नारियल ले सकते हैं, उसको तोड़कर उसके अंदर का व्हाइट वाला पार्ट को ग्रेट करके मिक्सी के अंदर पेस्ट बना के उसको भी यूज कर सकते हैं, दैट विल गिव मोर टेस्टी, प्रिसाइसली वो फ्रेशनेस जो है वो बहुत ज्यादा होगी इनफैक्ट अगर फ्रेश कोकोनट यूज करेंगे तो। आप उस कोकोनट का जो अंदर का पानी है वो आप करी में भी यूज कर सकते हो। नाइस। सो इट्स रेडी,
अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है शेफ। आई थिंक मुझसे वेट नहीं हो रहा है कि इसकी प्लेटिंग हो। मेरा मन कर रहा है मैं पैन में से खाना शुरू कर दूं। तो श्रद्धा स्टार्ट करते हैं हम अभी यहाँ पे इसकी गार्निश करते हैं अपनी डिश की, जैसे कि वो रेडी हो चुकी है। और गार्निश करना इसलिए भी जरूरी है, एक तो डिश को अपीयरेंस मिलता है और एक आपकी डिश कंप्लीट होती है। जी बिल्कुल, खाने से पहले गार्निशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्व करने से पहले गार्निशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो वैसे इतनी सुंदर लग रही है कि इसको गार्निश ना भी करते तो भी चलता शेफ, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है और इसको खाने से पहले एक सेल्फी मोमेंट जरूर बनता है शेफ, सो लेट्स गो फॉर इट। चलिए मैं डिश के साथ लेते हैं। जी बिल्कुल। Here we go. So finally it's time for me to taste it. But खाने से पहले मैं इसकी खुशबू का आनंद लेना चाहती हूँ। This is so yummy. मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा डिश को टेस्ट करने के लिए। That is the best part of the recipe. Yes, precisely. And I feel so lucky, you know, कि मुझे मेरे व्यूअर्स के साथ साथ रेसिपी को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे चखने का भी मौका मिलता है। This is yummy. A little bit spicy and totally South Indian flavor. Amazing, man. जब तक मैं इसे खाती हूँ आप जल्दी से लीजिए एक क्विक रीकैप और जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिए। फिर मालाबार वेजिटेबल करी बनाने के लिए एक बोल में कोरिएंडर सीड्स, रेड होल चिलीज, विनेगर और पानी डालकर उसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दें और अगले दिन उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अब एक पैन में कोकोनट ऑयल डालें, उसमें मस्टर्ड सीड्स, चॉप्ड अनियन डालकर स्टर करें। अब उसमें फ्रेश करी लीव्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर और नमक डालें। अब उसमें ओवरनाइट सोक्ड पेस्ट को छानकर ऐड करें। अब पैन में फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करें। अब इसमें लेमन जेस्ट और कोकोनट क्रीम ऐड करें। मालाबार वेजिटेबल करी तैयार है। फ्रेश करी लीव्स से गार्निश करके सर्व करें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। मुझे देख के आपको किसकी याद आ रही है, दादी माँ या नानी माँ की ना? तो क्यों ना आज कोई उन्हीं की लॉस्ट रेसिपी के बारे में जाने। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट दादी माँ की रेसिपी में क्या है आज खास। वाह क्या टेस्ट है, हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अब टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ दादी माँ सेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर हम बनाएंगे एक लैम का डिश, जो कि एक मर्तबान गोश्त है, प्रिपरेशन का नाम। बहुत ही टेस्टी प्रिपरेशन होगा और पुराना तरीका यूज़ करेंगे हम लोग, जो कि हमारी दादी माँ हमारे कुकिंग के लिए यूज़ करते थे, हमारे लिए पुराने टाइम का यूज़ होते थे। तो उसके लिए सारे पुराने इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, नथिंग टू मच। तो वी आर यूजिंग लैम फॉर दैट और मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा चॉप टमाटो, देन वी विल यूज ऑनियन, देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये आप घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने यहाँ पे जिंजर जूलियंस रखे हैं, देन वी हैव लिटिल बिट ऑफ चॉप कोरिएंडर फ्रेश। फिर यहाँ पर मेरे पास थोड़े पाउडर स्पाइसेस हैं, जो कि ये पंचपूरन है हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव स्पाइसेस। फिर मेरे पास इधर है थोड़ा रेड चिली पाउडर है, यहाँ पर मेरे पास है फ्रेशली मेड जीरा पाउडर, दिस वन इज द गरम मसाला, आप घर में भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्केट में पैकेट वाला मिल सकता है, यू कैन यूज दैट वन ऑल्सो। सॉल्ट एंड द चिली एंड द होल स्पाइसेस, खड़े गरम मसाले मिक्स हैं, उसके अंदर आप बे लीफ डाल सकते हैं, तेज पत्ता, जावित्री, लौंग, इलायची, जो कि हम तड़के में यूज करेंगे अभी। तो
तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लैम लेंगे और उसको मैरिनेट करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा, सो लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट टेंडराइजर भी होता है। अभी मैं मीट को जैसे मैरिनेट करूंगा तो मटन को सॉफ्ट भी करेगा, उसमें हेल्प करेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो इवनली मिक्स हो जाए। तो हम लोग एक पोर्शन बना रहे हैं अभी रेसिपी, तो मैंने उसी हिसाब से अपना प्रोपोर्शन रखा है। तो हमारा मीट मैरिनेटेड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। मीनवाइल हम इसका तड़का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे मस्टर्ड ऑयल से। तो अभी पैन मैंने ऑन किया है। जब भी आप कुछ भी ऑयल डालते हैं, मेक श्योर योर बर्तन हैज टू बी हॉट। जो भी आप कुकिंग वेसल है आपका, इट हैज टू बी हॉट। ठंडे बर्तन में तेल नहीं डालना चाहिए, ठीक है? दैट्स अ कुकिंग टिप। मस्टर्ड ऑयल इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एज आई हैव टोल्ड यू दैट दादी माँ सेक्शन, जो कि हमारी दादी पुराने लोग यूज करते थे मस्टर्ड ऑयल यूज करने के लिए कुकिंग के लिए। और मस्टर्ड ऑयल को यूज करने की भी टेक्निक होती है, उसके लिए आपको करेक्ट टेम्परेचर और स्मोक होना होता है। अगर उसको आपने ज़्यादा ओवर हीट कर दिया तो उसके फ्लेवर्स वगैरह बर्न हो जाएंगे, इन इट विल गिव यू बिटर टेस्ट। नाउ विल टेक होल स्पाइसेस, खड़े मसाले जो मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा तेज पत्ता, थोड़ा सा लौंग, छोटी इलायची मिक्स। अभी हम लोग इसके अंदर डालेंगे स्लाइस अनियन, बारीक कटा हुआ प्याज। जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे जैसे आप खाना बनाते जाएंगे सीजनिंग करते जाइए, तो नाउ आई एम एडिंग लिटिल सॉल्ट टू इट। जब भी आप ये अनियन कुक कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको चारों तरफ से घुमाएं, क्योंकि आपका अदरवाइज आप उसको रोटेट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट कुक इवनली और कलर बराबर नहीं आएगा प्याज के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अनियन को कलर आ चुका है। नाउ आई विल एड द मैरिनेटेड लैम टू इट, जो कि हमने मैरिनेट करके रखा था, तो पूरे जूसेस निकाल लेते हैं। तो अच्छे से लैम को भूनेंगे थोड़ा। आप इसमें बोनलेस भी यूज कर सकते हैं, पर आई एम यूजिंग मिक्स ऑफ दिस विद द बोन एंड द बोनलेस ऑल्सो। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून। जो फ्रेशली हम लोगों ने जीरा पाउडर बनाया था, अब वो ही ऐड करेंगे हम इसके अंदर। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हमारा मसाला जले नहीं तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। इसके अंदर धनिया पाउडर और जीरे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका कलर डार्क होता है। सो दीज आर द टू मसाला जो कि इसको डार्क कलर देंगे। और मिर्च हमने कम क्वांटिटी में इसलिए यूज़ की है, अदरवाइज उसको रेडिश कलर दे देगा, हमारी डिश का कलर ब्राउनिश रहेगा। अभी थोड़े से हमारे मसाले पकेंगे, उसके बाद देन वी एड टमेटोज टू इट, चॉप टमेटोज। आप देख सकते हैं कि मसाले जैसे पक रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर की। जैसे कि हमारे मसाले पकते हैं, हम लोग इसके अंदर चॉप टमेटोज डालेंगे।
थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसको अभी। और डिश को आप अगर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन यूज लैम स्टॉक, जो कि आप घर में बना सकते हैं। अगर बनाना है तो आप लैम की बोन्स आते हैं उसको बॉईल करके खड़े मसालों के साथ में, पानी की जगह आप उसको यूज कर सकते हैं, तो उससे और लैम का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। मगर हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, दादी माँ रेसिपी है हमारी, ये सेगमेंट है, तो उसमें हम लोग ने पानी यूज किया है जस्ट टू मेक इट सिंपल, ताकि हर कोई घर में बना सके इसको। अभी हमने इसको कवर कर दिया है ताकि उसके सारे जूसेस इंटैक्ट रहे लैम के हमारे, और सॉफ्ट हो जाए वो। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमने लैम को कवर किया था, आप देख सकते हैं कि हमारा लैम ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इसको बस अब फिनिश करेंगे हम लोग। लैम सॉफ्ट हो चुका है, हम लोग चेक करके देख सकते हैं। दिस इज द कलर जिसके बारे में बात कर रहा था आपके बारे में, डार्क कलर रहता है उसका। इसको हम साइड रखते हैं। अब इसके लिए हम बनाते हैं एक तड़का। एक पैन लेंगे हम लोग, एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और इसको हम तड़का लगाएंगे अभी पंचफूरन से। एक टेबल स्पून हम लोग पंचफूरन ले रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे सीड्स क्रैकल हो जाएं और अपना फ्लेवर ऑयल के साथ पूरा छोड़े हों। अब हम इसको मिक्स करेंगे लैम के अंदर। इसको थोड़ा सा हम लोग गार्निश करेंगे चॉप करिएंडर। जो कि हमने तड़का लगाया उसको अच्छे से मिक्स कर लें एक बार, और हमारे डिश ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मीनवाइल इसकी प्लेटिंग के लिए हम तैयारी करते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी गार्निश करने के लिए हम लोगों ने इसे कोरिएंडर स्प्रिग तोड़ के रखे थे। इसको क्रिस्प रखने के लिए आप थोड़ा सा आइस के साथ रख सकते हैं इसको, इट विल गिव अ क्रिस्प टू इट। थोड़ा सा आप जिंजर जूलियन इसके लिए, जो कि हमने काट के रखा था पहले से। दादी देखिए, आप शायद ऐसे ही बनाते थे जो कि आपने हमें बताया बिल्कुल तरीके से। आपके जैसा बिल्कुल नहीं होगा, पर आपके सिमिलर होगा कुछ ये। ये हमारी डिश तैयार है, मर्तबान गोश्त। मर्तबान गोश्त सबसे पहले लैम को लेकर मैरिनेट करें, फिर उसमें सॉल्ट को ऐड करें, जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड करें, फिर साइड पर रख दें। उसके बाद दूसरा पैन लें, फिर उसमें ऑयल डालें। ऑयल में तेज पत्ता, लौंग और छोटी इलायची डालें। अब अनियंस डालें, फिर इसमें नमक डालकर इसे रोटेट करें। अनियन के गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैरिनेटेड लैम डालें। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। फिर इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। मसाला पकने के बाद इसमें चॉप्ड टमेटोज और थोड़ा पानी डालें। फिर इसे लिड से कवर करें। तड़का बनाने के लिए एक और पैन लें, जिसमें पंच फोरन डालें, फिर इसे अपने लैम के साथ मिक्स करें। लास्ट में इसे गार्निश करने के लिए इसमें कोरिएंडर लीव्स और जिंजर डालें। आपकी डिश तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जो सीखा वो बहुत ही खास और इनोवेटिव था, एंड अगर वो आप अपने घर पे ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर वो खाके आपका दिल कहेगा वाह।
क्या टेस्ट है। और अगर ऐसा खा के आपका दिल कहे तो प्लीज हमें मेल जरूर कीजिएगा अपने फीडबैक और सजेशंस के साथ। हमारा मेल आईडी है वाह क्या टेस्ट है @gmail.com। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डिलिशियस रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।